किसी भी मल्टीबैगर को इवेल्युएट करने के लिए हमेशा तीन बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जिसमें सबसे पहले आता है कंपनी की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ बिजनेस मॉडल ये कैसे हैं दूसरा फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि कंपनी जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है कि क्या वो एक मेगा ट्रेंड से गुजर रहा है जैसे कि टेक्नोलॉजी तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस विजिबिलिटी का यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस या ग्रोथ कितना क्लियरली विजिबल है तो ये वीडियो में हम exactly एग्जैक्टली ऐसे ही एक स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक की बात करने वाले हैं और इवेल्युएट करेंगे उसको ये मल्टी बैगर के प्रिंसिपल्स पे इनफैक्ट वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ एक वैल्यूएशन वैल्युएशन भी शेयर किया है ये समझने के लिए कि ये स्टॉक कितना सस्ता या महंगा चल रहा है तो दोस्तों ये स्टोरी कौन सी है जानेंगे कुछ ही देर में ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूं, ये एक लीडिंग कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है और मैं बात करूंगा रूट मोबाइल की ये जो सर्विसेज देते हैं इनको हम सी या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन के अलग अलग चैनल्स है जैसे कि ई वॉइस मैसेजिंग इनको ये डिजिटल का रूप देते हैं और इनफैक्ट कॉन्वर्जेशनल ए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इक्विप करते हैं ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं ना इनमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ब्यूटीफुली प्ले करता है ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब यह होता है कि कंपनी को रेवेन्यूज या सेल्स बढ़ाने के लिए एडिशनल ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं होते जो भी सेल्स होता है ना मोर और लेस डायरेक्ट प्रॉफिट पे हिट करता है 58% इनके रेवेन्यूज यूनाइटेड किंगडम की ज्योग्राफी से आते हैं और 80% लगभग एक्सपोर्ट से आते हैं तो यहां पे थोड़ा सा एक यूके की ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का तो रिस्क है पर आने वाले टाइम में इनका ज्योग्राफिक एक्सपेंशन कैसे प्ले आउट करेगा ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक और इनके बिजनेस मॉडल में ना बहुत ही खास बात है इनकी सर्विसेज इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कम्युनिकेशन के डिजिटाइजेशन की जरूरत तो किसी भी कंपनी को पड़ सकती है कोई भी सेक्टर के और यही बात क्लियरली हमें देखने मिलती है इनके क्लाइंटेल में जो बिलोंग करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि ई कॉमर्स ट्रैवल फाइनेंशियल सर्विसेज तो इसी स्ट्रांग एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को मैं यहां पे दस में से नौ रेट करूंगा पर ये कंपनी को इवेल्यूएट करने की रीजन क्या थी वो देखते हैं तो सबसे पहले तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी कि तीन से बहुत करेक्ट हुआ है और अब यह लगभग सत्रह के करीब है यह लगभग ट्वेंटी की करेक्शन हुई तो क्या ये अकेली रीजन काफी होगी इसे इवेल्यूएट करने के लिए जी नहीं दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है यह करंटली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के सेगमेंट को बिलोंग करती है यह इंडस्ट्री करंटली 8.7 बिलियन डॉलर्स की है 2026 तक ये इंडस्ट्री की साइजिंग 34 बिलियन डॉलर्स तक होने का अंदेशा है तो दोस्तों अगर मैं ये प्रोजेक्शन पे एक ग्रोथ रेट लगाऊ ना तो यह थर्टी का एवरेज या सी एजीआर बनेगा फाइनली एक पॉइंट यहां पे बहुत बड़ा यह भी है कि कोविड के चलते बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन आया है वर्क फ्रॉम होम के चलते ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से डिजिटाइज करने की रिक्वायरमेंट है और कम्युनिकेशन को अगर डिजिटाइज करना हो तो ये फैक्टर का क्लियर बेनिफिशियरी रहेगा रूट मोबाइल तो यही फैक्टर्स के चलते ना मैंने ये कंपनी को और डिटेल में एनालाइज करने का डिसाइड किया अब फटाफट इसके फाइनेंशियल्स भी देखते हैं पिछले पांच सालों से सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों ही पैरामीटर्स में कंपनी ने हायर डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है इनफैक्ट ये क्वार्टर इनका रेवेन्यू 25 के से से बढ़ा बढ़ा है येर येर। less, बढ़ा है ईयर 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 ऑन ऑन प्रॉफिट भी मोर और लेस सेम परसेंटेज ही ईयर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थर्टी के अराउंड है बाईस का ये फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है इन्वेस्टेड कैपिटल पे इनके बुक्स पे डेट भी बहुत मिनिमल है दोस्तों और इसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते यहां पे मैं ये कंपनी को टेन ऑन टेन रेट करूंगा पर ये सेक्शन में अब मैं बात करने वाला हूं बिजनेस विजिबिलिटी की जो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है तो यहां पे हमने कुछ देर पहले एक पॉइंटर तो इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर ही लिया कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अपने आप 2026 तक 30 से बढ़ेगा तो यह बहुत ही पॉइंट स्ट्रांगली एनफोर्स करता है बिजनेस विजिबिलिटी का

तो इनके रेवेन्यूज और ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इन जनरल ऑर्गेनाइजेशंस ने अब रियलाइज किया है कि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर देने से सिर्फ स्टोरी खत्म नहीं हो जाती कस्टमर एक्सपीरियंस भी क्रिएट करना पड़ता है या फाइव स्टार का रखना पड़ता है प्लस यहां पे एक और टैंजल चीज है एफ आई यानी कि ये साल कंपनी ने बाईस का टॉप लाइन या रेवेन्यू ग्रोथ के लिए गाइड किया है जो अपने आप में ही एक बहुत बुलिश नंबर है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की ना उसको अलग अलग सोर्सिस से हमें एनालाइज करना पड़ता है जैसे कि एनुअल रिपोर्ट्स न्यूज आर्टिकल्स कॉन कॉल्स और कॉन कॉल का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कौन कौन से पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं मेरे आने वाले फंडामेंटल एनालिसिस के लाइव बैच में जी हाँ दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का मैं लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूं थर्ड ऑफ जनवरी से और जस्ट इनकेस अगर आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है ना तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको रिविजिट करने के लिए अवेलेबल होगी ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के कंटेंट्स क्या है कमर्शियल क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने नीचे लिंक में प्रोवाइड की है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो पेश करूंगा ही कमेंट में भी आपके लिए पिन करके रख रहा हूं अब वापस बात रूट मोबाइल की करते हैं यहां पे ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिखा गया है ऑर्गेनिकली तो नो no डाउट ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए ये कंपनी ग्रो कर ही रही है पर कंपनी अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि एक्विजिशंस के जरिए भी टारगेट कर रही है इन्होंने कुछ जो इनको ज्योग्राफिक एक्सपांश देते हैं, या में देते हैं। example, इन्होंने करके एक्वायर की जो इनको लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस देगी इंटर टेलीको करके कंपनी एक्वायर की है जो कुवैत में इनको प्रेजेंस देगी और फाइनली सेंटलिन करके एक कंपनी है जो इनको एक्सपर्टीज देगी ईमेल के चैनल में तो ये सारे प्रॉमिसिंग पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस विजिबिलिटी के एरिया में थोड़ा सा बफर रखते हुए मैं इनको नाइन ऑन टेन दूंगा चलिए अब बात ना वैल्यूएशन के करते हैं मतलब ये स्टॉक कितना सस्ता या महंगा है पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वैल्युएशन में इवेल्युएट करने के लिए ना मैंने बहुत सिंपल सा हिसाब लगाया है इसके मल्टीपल्स को मैंने कंपेयर किया सिमिलर कोहोर्ट ऑफ कंपनी से जैसे कि एफल टानला लेटेंट व्यू के पी आई टी एक्सेट्रा तो यहां पे भी पहली नजर में तो एनकरेजिंग चीजें देखने मिली इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स ना ये क्लस्टर के एवरेज से नीचे ही है तो यहां पे थोड़ा सा एक कंफर्ट आ जाता है नो no डाउट ये डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है और एबसोलूट वैल्यूएशन भी देखने चाहिए तो एबसुलट टर्म्स में ये सेवेंटी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे है और इनका प्राइस टू बुक रेशियो भी चौदह के अराउंड है तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे दोस्तों पर यहां पे नो no डाउट एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टोरी उभर के आ रही है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की तरह केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पे तो हमने कुछ महीनों पहले एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया है तो ये वीडियो के बाद आपको केपीआईटी का वीडियो जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स हैं